हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस रीड एफआईडीओ। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसजीपी कोर्स फॉर 2022 प्रीलिम्स। कोर्स की थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। इस कोर्स में बेसिकली हम प्री के लिए पीवाईक्यूज देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोर्स के कुछ वेरियंट्स हैं, कुछ पार्ट फ्री है, कुछ पार्ट पेड है। अगर मैं आपको कहूँ फ्री वीडियोज़ आप एक्सेस करना चाहते हो या फ्री कोर्स एक्सेस करना चाहते हो, आपको सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। यहाँ पहले से जो प्रीलिम्स के धुरंधर हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी, उनके वीडियोस दिखेंगे। इस साल आपको मेरे वीडियोस ज़्यादा दिखेंगे। इस कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ये यहाँ आप सिनॉप्सिस की साइट पर स्पेशल कोर्स में जाके इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स की थीम क्या है? बेसिकली प्रीवियस ईयर के लिए सारे ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किए हैं। ऑल फोर ऑप्शंस अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो सारे स्टेटमेंट्स, अदरवाइज जो भी की टर्म्स हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हैं। कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। इस कोर्स की हेल्प से आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर को 20, 25, 30 मार्क्स तक इजीली खींच सकते हो, और यहीं से ये टर्म आती है गारंटी प्रोग्राम, राइट। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन हम सीखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। इस कोर्स में जो मेरे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं बेसिकली वो ये हैं, जहां अप्रोच, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, इस टाइप के वीडियोस मिलेंगे, और बाकी फैकल्टीज आपको बाकी ऑप्शंस एक्सप्लेन करते हुए एंड पढ़ाते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बाकी फैकल्टीज़ के लेक्चर्स ज़रूर देखने चाहिए। फ्री वीडियोस आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। कोर्स के बारे में और डिटेल आपको देखना है, डेमो मटेरियल या फिर डेमो वीडियोस या फिर इनरोल करने के लिए, यू कैन गो हेयर। स्टार्ट करते हैं। कोर्स का नेचर आपको वीडियोस देख के ही समझ में आएगा क्या नेचर है। 2021 का हम क्वेश्चन देखते हैं। एक एंशियंट टाउन की बात कर रहा है जो कहता है कि वाटर से रिलेटेड वहाँ पर वाटर रिजर्वायर थे और सीरीज ऑफ डैम्स थी, इस तरह की चीज़ें थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला रूल ये है प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन की, अगर हम बात करें, ज़ीरो और वन बाइनरी में आप खेलोगे। अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, बिल्कुल ही नहीं आता, ये ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं, या तो आपको आते होंगे या बिल्कुल नहीं आते होंगे, ज़ीरो वन की रेंज में रहोगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता तो उसको छोड़ देना बेटर है, क्योंकि आप ऐसे में क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं करोगे, क्वेश्चन आपको एलिमिनेट कर देंगे ऐसे। अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का क्या रोल है कि ये जो धोलावीरा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, इसके बारे में 2002 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसमें देखो दो ऑप्शंस, धोलावीरा एंड कालीबंगन, यहाँ पूछे हुए हैं 2002 के क्वेश्चन में डायरेक्टली, यहाँ पर आपको दिखेंगे क्वेश्चन में दिख जाएंगे लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा एंड बनवाली। तो अगर आपने ये 2002 का एक्सप्लेनेशन पढ़ा है एक बार, या आपने धोलावीरा के बारे में एक बार भी पढ़ा है, तो दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं इस लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ है। गुजरात में है, खादिर बेट आइलैंड है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जेपी जोशी ने इसको फाइंड आउट किया था। जो मेन इसके बारे में चीज़ें हैं, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है हड़प्पन स्क्रिप्ट या फिर इंडस स्क्रिप्ट के बारे में, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है इसके वाटर सिस्टम को लेकर लार्ज रिजर्वायर मिले हैं, ठीक है, सिटी वॉल्स और हाउस टैप, ये सब वाटर टैंक भरने के लिए धोलावीरा में सिस्टम था। बाकी कालीबंगन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो ये लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मेरा पर्पज़ ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बाकी फैकल्टीज आपको एक्सप्लेन करेंगी। और जो ऑप्शंस हैं रोपर एंड राखीगढ़ी, रोपर बेसिकली रामसर साइट्स की वजह से फिलहाल न्यूज़ में है, पूछ लिया बट ऑप्शन ठीक नहीं है। राखीगढ़ी जो है पिछले कई सालों से न्यूज़ में है और कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में तो दिखना बनता था, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ये आज के टाइम में कुछ लोग इसको बिगेस्ट टाउनशिप भी मानते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ वन ऑफ द बिगेस्ट तो आप मान ही सकते हो। तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सॉल्व होता है, नहीं करते हो तो फिर आपको छोड़ देना बेटर है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। या तो आप इसमें जीरो या फिर वन, या तो क्वेश्चन आपका सही होगा या फिर गलत होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन का पहला प्रिंसिपल ये है, या तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे या फिर क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2021 का ही, ठीक है, 2021 का जो ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक सिंपल सी चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, कहीं अगर ऑल ऑफ द एबव है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑल ऑफ द एबव होता, वन टू एंड थ्री इस टाइप का कोई ऑप्शन होता, तो उसके सही होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। अब इस ऑप्शन में अगर हम जाएं या इस स्टेटमेंट में हम जाएं, तो ये जो साइट्स हैं, अगेन बात यहाँ वही है, आप इन जनरल ये चीज़ें पढ़ते नहीं हो, यहाँ भी जीरो वन वाली चीज़ लगेगी, या तो आपको आता है या नहीं आता है। अब इसको थोड़ा बहुत दिमाग अगर आप लगाओ तो आपको ये समझ आएगा, बुर्ज होम
बुर्जुआ हमने पढ़ा होता है इन जनरल, अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट है तो हमने एंशियंट हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होती है, और एंशियंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तो आपको ये पता चलेगा बुर्जुआ में श्राइन्स यानी कि टेम्पल ये तो नहीं ही मिलेंगे। ठीक है, बुर्जुम तो प्री हिस्टोरिक साइट है जहाँ इनफैक्ट लोग लिखते भी नहीं थे। उसके बाद हड़प्पा, हड़प्पा में भी रिलीजन है नहीं है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। मौर्यन साइट के एक दो टेम्पल दिखते हैं, तो यहाँ पर तो रॉक कट श्राइन मिलना वो तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। रॉक कट केव्स होती तो एक बार कोई ऑप्शन सही हो जाता। तो आपने ऑप्शन वन सॉरी स्टेटमेंट वन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, ये गलत हो गया। तो पहले आप ये देखोगे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, ये रूल टू है, प्रिंसिपल नंबर टू है एलिमिनेशन का, कि आप ये चीज़ ज़रूर चेक करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। अगर आप यहाँ इनकरेक्ट की बात जाते तो फिर ये ए ट्रू हो जाता या बी भी ट्रू हो सकता था। तो आप ये देखोगे करेक्ट पूछा है, वन आपका एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब ये दो ऑप्शन चले गए, इसका मतलब सी आपका ट्रू हो गया, ये ऑप्शन नंबर थ्री आपका ट्रू हो गया। अब बची कहानी, यहाँ पर चंद्र के तुगड़ टेराकोटा आर्ट यहाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर 50-50 में पहुँच जाते हो डेफिनेटली। इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको सोर्स दिखाऊँ सिनॉप्सिस में, जो गणेश्वर ये टॉपिक्स हैं देखो, बुर्ज होम के बारे में ये सारा लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड गणेश्वर के बारे में ये साफ लिखा हुआ है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर नीम का थाना और काफ़ी सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स यहाँ मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखोगे धोलावीरा भी कवर्ड है, धोलावीरा कालीबंगन ये सारे जो ऑप्शंस हैं धोलावीरा के बारे में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं क्लासरूम नोट्स में भी इनफैक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरह सॉल्व करने अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो इसमें आप 50-50 एलिमिनेशन तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। 2019 का ये क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। अगेन जो ये क्वेश्चन है डेफिनेटली इजी क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ भी या तो आपको आता है या नहीं आता वो चीज़ होगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके गए हो तो आप देखो सोहागुरा के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसी कौन सी एंशंट इंडियन रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर फूड प्रिजर्व करने की बात की गई है, तो सोहागुरा कॉपर प्लेट। अब इंडस टाइम में इतनी ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट तो नहीं थी कि वहाँ पर इंस्क्रिप्शन के थ्रू ऑर्डर्स दिए जाएँ, तो ये बेसिकली अशोका के आसपास की मानी जाती है सोहाग्रा कॉपर इंस्क्रिप्शन, और कुछ लोग इनफैक्ट जो इसकी वो राइटिंग्स हैं राइटिंग स्टाइल है उसको देखकर ये कहते हैं कि अशोका के बाद की है, आफ्टर मौर्यन है। तो ये आपको पता चलेगा, सोहाग्रा के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछा है, इनफैक्ट 2019 में ही क्वेश्चन पूछा था, देखो सोहाग्रा यहीं पर 2019 का क्वेश्चन है, एंड ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि रण्यो अशोका कहाँ पर दिया है, तो सोहगुरा यहाँ पर भी आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो डेफिनेटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने दो चीज़ें सीखी, एक आपको प्रीवियस ईयर अगर देखा हो तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, दूसरी चीज़ जैसे हमने देखा 2019 में ही ये सोहगुरा टर्म दो बार है, तो आपको दूसरे क्वेश्चंस भी देखने चाहिए पेपर के। कई बार एक क्वेश्चन आप देखते हो दूसरी जगह आपको उसका आंसर दिख जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हम प्रीवियस ईयर का रोल काफ़ी हद तक देख रहे हैं समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडस वैली के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड, ऑप्शन इसका आपको इजीली पता होगा क्या है, आईबीसी के बारे में। यहाँ पर एक जो चीज़ है, आप स्टेटमेंट्स देखोगे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं या फिर मॉडरेट वर्ड्स हैं। यहाँ पर ये कहता है प्रीडोमिनेंटली एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, सेकुलर सिविलाइजेशन थी। ठीक है, रिलीजियस एलिमेंट इट वॉज प्रेजेंट, ऑल दो इट वॉज प्रेजेंट इट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो एक बहुत ही मॉडरेट सा स्टेटमेंट दिया है, और आईबीसी के बारे में ये चीज़ ट्रू भी है। यहाँ पर आपको पशुपति सील के अलावा या मदर गॉडेस के अलावा रिलीजन के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिलते नहीं हैं। तो जो ऐसे मॉडरेट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखेंगे, मोर देन हो गया, ठीक है, मोर देन हो गया, लेस देन हो गया, देन सम, इनमें से कुछ, ठीक है, कुछ सांप जहरीले होते हैं, ठीक है, कुछ कछुए वेजिटेरियन होते हैं, माइट, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखेंगे, वुड, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में हेल्प कर जाएगा। इस तरह के जो मॉडरेट स्टेटमेंट्स होते हैं वो इन जनरल ट्रू हैं। तो ये चीज़ आई थिंक ऐसा तो है नहीं मैं पहला आदमी हूँ बताने वाला आपको ये चीज़, बहुत लोगों ने बताई होगी। ठीक है, कॉटन इस टाइम पे यूज़ होता था, इसके लिए आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाते हो तो आपका सी ऑप्शन डेफिनेटली आ जाएगा, रिलीजन ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ पर मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया की एक लाइन कोट की है, जवाहरलाल नेहरू ने एग्जैक्टली यही सेम लाइन कही है,
जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप देखो कि रिलीजियस एलिमेंट 2% डिड नॉट डोमिनेट द सीन, और यही एग्जैक्टली इन्होंने कहा है। अब इसका मतलब ये है कि क्या हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने बैठ जाएं? आंसर इज नो। आपको डेफिनेटली ये तो नहीं करना है, बट अपने जो बेसिक्स हैं उनको आपको स्ट्रांग रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 वाला। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन तो देख ही लिया है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एक दो चीज़ें दिखेंगी। अभी मैंने आपको बताया था ऑल ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते, सारे ऑप्शंस तो ठीक ठाक नहीं मिलाए होंगे कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का 4, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे किसी एक को या तो एक्सचेंज कर दिया होगा, जो मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होते हैं या फिर डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें इन जनरल उनकी डेफिनेशन एक्सचेंज की होती है, या फिर एक ऑप्शन एक्सचेंज कर दिया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें देखो सबसे इजी क्वेश्चन ढूंढो, आप ऑप्शन ढूंढो, इसमें आपको क्या दिखेगा। आई थिंक लोथल में डॉकयार्ड था, आप ये चीज़ तो ढूंढ सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि ये एक इजी ऑप्शन है आपके लिए, लोथल में डॉकयार्ड है। तो ए का टू यहाँ बी में दिया है और डी में दिया है। अब अगर आप इतना कर जाते हो तो एक ऑप्शन डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। ए का अगर 2 है तो बी का डेफिनेटली 1 है, आपको ये बी देखने की जरूरत नहीं है कालीबंगन में प्लॉट फील्ड थे या नहीं थे। अब धौलावीरा और बनवाली है, ठीक है, अगर आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि धौलावीरा में हड़प्पन स्क्रिप्ट्स थी या नहीं थी, अदरवाइज आप इसमें अगेन 50-50 पर तो आ ही गए हो। सिर्फ एक ऑप्शन आपको पता होता है और आप एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर देते हो, ठीक, एक ऑप्शन आपको पता है तो आपका ए एलिमिनेट हो गया एंड सी एलिमिनेट हो गया, इतना पक्की बात है, ठीक, फ्रॉम वेरी बेसिक नॉलेज कि लोथल में डॉकयार्ड है। जो हड़प्पा में बंदे एक या दो फैक्ट्स रट के जाते हैं वो यही फैक्ट्स रट के जाते हैं। तो इस तरह से 2002 का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, 2001 के क्वेश्चन में जाते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, हड़प्पा कल्चर में कौन से एनिमल्स नहीं दिखते थे सील्स और टेराकोटा आर्ट में? काऊ है, एलिफेंट है, राइनो है एंड टाइगर है। इन जनरल हो सकता है अगर आपने पशुपति सील के एनिमल्स पढ़े हों तो आपको पता होगा आंसर। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर जो एलिमिनेशन है, अपना थिंकिंग किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। हड़प्पा कल्चर में काऊ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, ठीक है, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, ये अगेन ध्यान रखना। हड़प्पा कल्चर में काऊ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, काऊ का जो सिग्निफिकेंस बड़ा है एंशियंट और ओल्ड इंडियन हिस्ट्री में वो बड़ा है वैदिक और ऋग्वैदिक या फिर आफ्टर वैदिक, उन एज के बाद बढ़ा है। तो आप इस ऑप्शन को उस वे में एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पता। हड़प्पा में कहाँ गाय होती थी ऐसा कोई एविडेंस है नहीं, कोई बात भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहो तो पशुपति ऑफ हड़प्पा इस बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए तो, अदरवाइज ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री में, आप बताओ कौन सा करेक्ट है। बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पूछा, मिताक्षरा और दयाभागा, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं आपको दिखाऊं यूपीएससी के, तो ये था मिताक्षरा, एस्ट्रोनॉमी का वर्क है या इनहेरिटेंस, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में है, आंसर इसका ये था। एक क्वेश्चन ये पूछा है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें मिताक्षरा से तो ये पूछा है राइटर्स कौन है, ठीक है। तो मिताक्षरा और दया भागा दोनों क्वेश्चंस यहाँ आपको दिखेंगे, ये पूछे हुए हैं, ठीक। देन एक और पूछा है मिताक्षरा किस टाइप का टेक्स्ट है, ठीक। तो इतने क्वेश्चंस अगर पूछ लिए तो डेफिनेटली मिताक्षरा और दया भागा के ऊपर पढ़ना आपका बनता है। लेकिन इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स हैं या टर्म्स हैं वो कोई भी कोचिंग आपको तब तक नहीं पढ़ा सकती जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इस टाइप का कोई कोर्स ना कर रहे हो, या तो आप खुद से करो या फिर सिनॉप्सिस से करो, ये आपके पास दो ही ऑप्शन है फिलहाल आज की डेट में। तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पता था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है, आपने सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ा, तो आपको ये तो पता है कि ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, ऑप्शन 1 गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ है, ठीक, आप एक चीज़ देखोगे स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3, ये दोनों ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक नया प्रिंसिपल बता रहा हूँ एलिमिनेशन का, ये आप समझना कि कई बार कुछ क्वेश्चंस एक साथ ठीक नहीं होते, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये दोनों गलत हैं, और इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ये गलत है। दोनों का नेचर देखो, अगर ये सिविल लॉ है, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इसकी बात तो नहीं कर रहा है, इतनी डिटेल में सिविल लॉ इन जनरल राइट टू प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे।
ठीक, यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, दया भागा का आफ्टर डेथ है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मेल और फीमेल मेंबर के बारे में बात करता है। तो ऐसे ऑप्शंस में आपको अगर डिटेल में पता है तो आप इसमें कर सकते हो। इन जनरल जो इसकी डिटेल यही है, दया भागा आफ्टर डेथ उसकी बात करता था एंड मिताक्षरा लाइफ टाइम में बात करता था, और ये ऑप्शन गलत है। इसका जो रियल आंसर है वो है बी, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ थे जो बेसिकली लॉ ऑफ सक्सेशन को गवर्न करते हैं, ठीक, बंगाल और असम में ज़्यादातर देखे गए हैं, दया भागा एंड मिताक्षरा बाकी कंट्री में, ठीक है। मिताक्षरा जस्ट आफ्टर बर्थ, मतलब पूरी ज़िंदगी में मिताक्षरा चलता है, दया भागा डेथ के पहले तो बात करता ही नहीं है, ठीक है, और दया भागा है जिसमें चिल्ड्रन को कोई राइट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये फादर की डेथ के बात ही कर रहा है, तो चिल्ड्रन तक वहाँ तक इन्होंने बात की नहीं है, ठीक है, ऐसे इनफैक्ट कोई लॉजिक होते नहीं, लेकिन ये चीज़ ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो ये 2017 में पूछा है वैदिक हिस्ट्री का। बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल की। इसमें पूछा है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक। स्टेटमेंट्स में आप देखो, एक ऑप्शन भी आपको ट्रू दिख रहा है, दो ऑप्शंस भी ट्रू दिख रहे हैं, और तीन ऑप्शंस भी ट्रू दिख रहे हैं, ठीक है, चलो एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। एक जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो आप ये ध्यान रखना कि ऑल 100 क्वेश्चंस, चाहे वो कितने ही इजी हो, कितने ही टफ हो, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे। कई बार क्या होता है, बहुत ही इजी ऑप्शन आपको दिखते हैं। सपोज आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वहाँ पर ए लिखा है, देन बी लिखा है, देन सी लिखा है, देन डी लिखा है, आपने पढ़ा ए, ए आपको रिलेटेबल आंसर लग दिख गया, आपने टिक कर दिया। हो सकता है डी या सी में कोई और ज़्यादा बेटर आंसर दिया हो, तो इसीलिए 100 क्वेश्चन सारे के सारे आपको एलिमिनेट करके, और गलत क्वेश्चंस 100% एलिमिनेट करने चाहिए। अगर आपको तीन ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं तो आप एक ऑप्शन पर डेफिनेटली पहुंच जाओगे, तीन ऑप्शंस आपको एलिमिनेट डेफिनेटली करने चाहिए। अब चलो इसमें बात करते हैं। इसमें एक तो ओनली वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो एक टेक्निक है कि एक्सट्रीम वर्ड्स आर मोस्टली रॉन्ग, वो टेक्निक जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स ग्रेटली, स्टेडिली, ऑल, कैन नॉट, एनी, ड्रास्टिकली, मैंडेटरी, नो, डेफिनेटली, ओनली, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन जनरल गलत होते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो अब तीनों में ही है, डिड नॉट लीव एनी एविडेंस, ठीक है, देर इज नो एविडेंस, तो यहाँ तो तीनों ही आपके एक्सट्रीम से स्टेटमेंट है, तो ये तो अगर होता तो इसमें से आंसर तो ए बी नहीं है, ए बी सी डी कोई सा भी नहीं है, ठीक। अब जो कहानी है, इंडस वैली पीपल ओनली कॉपर एंड आयरन, नहीं, आयरन आपका इंडस वैली में नहीं था, आपने ऑप्शन नंबर टू एलिमिनेट कर लिया, ये ज़्यादातर लोगों को पता था, स्टेटमेंट नंबर टू आपने एलिमिनेट कर दिया। टू एलिमिनेट किया तो आपका बी और डी चला गया, बी और डी गया तो आपका वन ओनली, और वन एंड थ्री ओनली, इसमें से वन आपका दोनों में कॉमन है, तो वन आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया, ठीक है, अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिर कोई बात नहीं, ठीक, आपको वन की चिंता करने की नीड नहीं है, वन आपका ट्रू हो गया एंड टू रॉन्ग हो गया। मेन कहानी जो है वो थ्री ट्रू है या नहीं है यहाँ पर है। अब ये कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन था, कंट्रोवर्सी इसमें बेसिकली ये थी कि इंडस में हॉर्स था या नहीं था, ऋग्वैदिक आर्यंस तो जानते थे बट आईवीसी के लोग जानते थे या नहीं, तो इसका जो एक सॉल्यूशन हो सकता है इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का, कि जो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं उन पर आपको जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग किया था वो थे हिस्ट्री ऑप्शन वाले क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली या डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा होता है, मल्टीपल थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, इंडस में हॉर्स तो होते ही थे, ठीक। तो मोस्ट इस्टेब्लिश्ड फैक्ट यही है कि आईवीसी में हॉर्सेस का कोई एविडेंस नहीं दिखता है, इसका आंसर आपको ए दिखेगा, वन ओनली। इस तरह से आपको सॉल्व करने, डिटेल में इसमें हमने ये दोनों की बात कर दी है, ऋग्वैदिक आर्यंस और इंडस वैली के ऊपर जो जो चीज़ें हो सकती थी इंपॉर्टेंट वो सब यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। 2012 का ये क्वेश्चन देखते हैं कि रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन, अर्ली वैदिक आर्यंस की बात कर रहा है, प्राइमरली ऑफ किसका था, चार ऑप्शंस हैं। अब इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे, बुक्स में इन जनरल ये कहीं भी बात नहीं की गई है कि वैदिक आर्यंस का रिलीजन क्या था, या एटलीस्ट इन ऑप्शंस के टर्म्स में तो नहीं की गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक एक करके। अगर आपने भक्ति के बारे में पढ़ा है तो भक्ति बेसिकली आपका साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था 7th-8th सेंचुरी में, ठीक है, वहाँ से नॉर्थ इंडिया में प्रोपगेट हुआ। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि वो कौन से दो टाइप के संत थे जो शैवाइट और वैष्णवाइट थे, तमिल में लिखते थे इन जनरल।
साउथ इंडिया में, ठीक। तो भक्ति आपका एलिमिनेट हो गया, अगर भक्ति एलिमिनेट हो गया तो आपका ए और डी चला गया, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब कहानी बची बी और सी के बीच में, इमेज वर्शिप एंड ये बेसिकली यज्ञ है। अब इस टाइप की जो टर्म्स है ना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो स्टेटमेंट्स हैं, स्पेलिंग है, उसको या तो डिस्टॉर्ट करके पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी हिंदी वर्ड ज़रूर पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। यज्ञ ऋग्वैदिक आर्यंस कर किया करते थे, बहुत सारे यज्ञ की बात की गई है। तो एनीवेज यज्ञ से तो ये क्वेश्चन आपका अब बचने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और यज्ञ दोनों में है। तो कहानी है कि ये लोग इमेज वर्शिप करते थे या नेचर की वर्शिप करते थे। थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री समझ लेते हैं। अर्ली वैदिक आर्यन, उस टाइम पर क्या चीज़ें होती थी, गॉड का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था, ठीक है। बुद्धिज्म का भी डेवलपमेंट होना फुल स्केल में बाकी था, और जो इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट है बेसिकली हिंदुइज्म में, अगर आप देखोगे हिंदू रिलीजन में कुछ इश्यूज आए, उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, उसकी वजह से कई सारे रिलीजन आए, उसमें से दो इंपॉर्टेंट रिलीजन्स थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म विद टाइम ग्रो हुआ, बुद्धिज्म में महायान बुद्धिज्म आया, उसके बाद हिंदू कल्चर में आपको इमेज वर्शिप दिखती है, ठीक। इस तरह से रिलीजन कॉम्पिटिशन में भी काम करते हैं। तो इमेज वर्शिप बहुत बाद की बात है, और अगर आप देखो अर्ली वैदिक आर्यन, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उस टाइम पर नेचर की भक्ति किया करते थे वो लोग। रेन गॉड आपको दिखेगा, इंद्र के बारे में बात की है, वरुण के बारे में बात की है, इस तरह से बात की है। तो थोड़ी नॉलेज और थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन से आप इसमें सही आंसर पर आ सकते हो। इसमें जो हमने टेक्निक सीखी है वो ये है कि हिंदी पढ़ना चाहिए, प्लस जो इंग्लिश है उसको डिस्टॉर्ट करके बोलना चाहिए, यज्ञ, यजना, यजना, यजनो, इस तरह से कुछ पढ़ो तो आपको समझ आएगा यज्ञ की बात कर रहा है, ठीक है। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन की हमने यहाँ बात की है, ये लाइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी में, अगर आपने कहीं भी पढ़ा है उस सोर्स में लिखा हुआ है। भक्ति मूवमेंट के बारे में जो मैंने कहा वो यहाँ नोट किया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो इजिली इनके एक्सप्लेनेशंस। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर में, धर्म और रीता। अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको इन जनरल नहीं पता होगा, ठीक। धर्म की अगर आप बात करो, अगर आपने रिलीजन पढ़ा है वहाँ पर आपको पता है धर्म क्या है इंडियन हिस्ट्री में। रिलीजन बेसिकली ना मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये 16th और 17th सेंचुरी के बाद राइज हुआ है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडिया का जो धर्म है बेसिकली ऑब्लिगेशंस एंड लॉज, ड्यूटीज, उनके इर्द गिर्द घूमता था, ठीक है। और रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है, ये वही रीत है जो फंक्शन ऑफ यूनिवर्स उसको डिफाइन करता है। तो अगर आप ये थोड़ा सा टर्म पे जाओ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑल ऑफ दी एबव इस पर जा सकते हो, ठीक है। धर्म का आपको रियल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। धर्म का मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, ये सब नहीं है। धर्म का मतलब है लॉ ऑफ ऑर्डर, एंड रीत मतलब कल्चर, जो चीज़ चली आ रही है, जिस तरह से यूनिवर्स फंक्शन करता है। तो अगले लेक्चर में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, इनके एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ लेना कि धर्म की बात क्या है, धर्म से कर्म किस तरह से रिलेटेड है, देन रीत की बात हमने की है। तो अगेन ये वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, यहाँ आप एक्सेस कर सकते हो। साथ में डू चेक आउट दिस कोर्स, सिनॉप्सिस आईएएस का जो एमएसजीपी कोर्स है, ये आपको देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सिनॉप्सिस के बाकी स्पेशल कोर्सेज हैं वो आपको ज़रूर एक बार देखने चाहिए। एग्जाम के लिए ही ये कोर्सेज डिजाइंड हैं। 2020-50-50 सीरीज़ बेसिकली हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स है, ये टॉपिक लिस्ट आप देख लेना, वो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। PT 360 में 5 साल के करंट अफेयर्स प्लस कंटेम्प्रेरी इशूज़, दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, और बाकी अगर आप कुछ देखना चाहो तो ये आपके ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और टेक्निक्स के साथ में।